Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani hamare saath hai. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you so much. Aaj aap Murli padhne wali hain. Yes. Jaise humne pichli baar dekha ki Parmatma gyan ka sagar hai. Parmatma ka jo hume varsa milta hai. Jo hume सबसे ब्यूटीफुल चीज़ भगवान से मिलती है जिससे हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है परमात्मा का ज्ञान पहली चीज़ विरासत में ज्ञान मिलती है हाँ जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा सी आत्मा कौन वो भी तो ज्ञान है परमात्मा कौन वो भी तो ज्ञान है जब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा तो योग भी नहीं लगेगा मेडिटेशन भी नहीं होगी मेडिटेशन नहीं होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी पहचान नहीं होगी तो रिश्ता नहीं जुड़ेगा तो प्यार भी अनुभव नहीं होगा तो परमात्मा से हमें प्यार मिलता है शक्ति मिलती है सुख मिलता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्योरिटी मिलती है जिससे हम प्योरीफाई होते हैं सब कुछ तो ज्ञान के अंडर आ गया ना सिस्टर सी दिस इज द लाइन कि सब कुछ तो ज्ञान के अंडर आ गया ज्ञान है तो ये सब है क्योंकि ज्ञान से फिर ये सब कुछ मिलता है ज्ञान तो हमसे वो करवाता है ना सारे गलत काम राइट कार्मिक अकाउंट पूरा गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ अज्ञान अज्ञान तो इवन एज यू सेड लास्ट टाइम कि ईगो भी अज्ञान है ईगो भी अज्ञान है तो सार मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान है मैं बॉडी हूँ ये अज्ञान है तो सबसे पहली चीज जो भगवान से मिलती है जिससे हम अपने को भी पहचान सकते हैं उसको भी पहचान सकते हैं हम कौन सी आत्मा है समय को भी पहचान सकते हैं हम सत्योगी पवित्र आत्मा हैं वो हमारा पोटेंशियल है हम डिवाइन आत्मा हैं वो हमारी पर्सनालिटी है वो हम थे अब हम वापस बन रहे हैं ये भी ज्ञान है तो ज्ञान नहीं तो आगे प्यार और शक्ति नहीं अनुभव होगी तो परमात्मा से जो सबसे पहली चीज़ मिलती वो है ज्ञान इसलिए उसको कहा जाता है वो ज्ञान का सागर है तो वो निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं क्योंकि वो हमारा फादर है पिता है उन्होंने जो ज्ञान दिया बच्चों को उस ज्ञान को मुरली कहते हैं तो आज हम मुरली स्टडी करेंगे आज की जो मुरली है उसका टाइटल है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे मनसा सेवा करो एक व्रता बन मतलब एक के साथ कनेक्शन में व्रत रखो ओके जैसे कहते हैं ना पति व्रता मतलब पति के प्रति जो व्रत है एक तो ऐसे एक व्रता एक उस परमात्मा के बंधन में जुड़े हुए एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा कि मन में आत्मा में प्योरिटी द्वारा रूहानियत में रहे सोल कॉन्शियसनेस रूहानियत मतलब रूह सोल रूहानियत सोल कॉन्शियसनेस में रहे मनसा सेवा करो मतलब जब आप रूहानियत में हैं सोल कॉन्शियसनेस में हैं तो आप मन से ही इतनी प्योर वाइब्रेशंस सबको भेजते हैं कि मनसा सेवा हो जाती है मन से सेवा होती है एक होती है तन से सेवा जैसे हम करते हैं ना सेवा किसी के लिए हॉस्पिटल बना दिया किसी के बच्चे को पढ़ा दिया वो है धन से सेवा अच्छा तन से सेवा किसी के खाना पका दिया हाँ, किसी को गाड़ी में मतलब हाँ, छोड़ा है ले आए लेके गए वो है तन से सेवा एक होती है धन से सेवा कि हमने धन लगा दिया एक होती है वाणी से सेवा कि हमने ज्ञान किसी के साथ शेयर किया किसी को एडवाइस दी वाणी से सेवा और सबसे पावरफुल सेवा मन मन से सेवा क्यों वो सबसे पावरफुल सेवा उसके लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए कि हम किसी की सेवा करें मन प्योर तो प्योर वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहे हैं वो वाइब्रेशन दूसरों को टच करेगी और इसमें सबसे बड़ी बात ये है आपको मालूम ही नहीं है किसको कर रही है टच क्योंकि यहाँ तो किसी की सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग के पास बॉडी है right. कहीं तो आता कि मैंने नहीं नहीं इसके लिए मैंने इतना किया हाँ, वो ही अहंकार ना फीलिंग अहंकार नहीं अहंकार मैं एहसान मैंने इतना किया कम से कम हेलो तक नहीं बोल रहे वही वही तो ईगो फिर हर्ट होगा ना उन्होंने जैसे हमको सिखाया जाता था किसी को देना है ना तो शर्ट आप कहीं जाके कोने में रख दीजिए जो उठाना है चाहे ले जाए
फिर आपको पता भी नहीं चलना चाहिए किसको दिया क्या दिया, गुप्त दान ना, तो आपको पता नहीं चलना चाहिए किसको दिया, और किसी को और पता चलने की जरूरत नहीं है कि आपने दिया, तो उसके लिए फिर आपका जो देना हुआ वो सिर्फ देना हुआ, उसके रिटर्न में आपने कुछ नहीं लिया। आ ही जाता होगा ना रिटर्न में अपने आप। नहीं, एक होता है रिटर्न में अपने आप कर्म का फल आना, एक होता है रिटर्न में हमारा कुछ एक्सपेक्ट करना। जैसे आपने अभी कहा हमने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने हेलो भी नहीं किया, मतलब वो हेलो भी तो एक्सपेक्टेशन है ना फिर। दैट्स व्हाट आई सेड, कि पता हो कि किसको दे रहे हैं, यहाँ तो बेस्ट है, मन की सेवा कर रहे हैं, जिसको मिलना, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ रिवर और अ ट्री फ्लोइंग, यस यू नो, या भगवान जैसे खुद अपनी देता रहता है, एंड उसमें सूर्य देवता जिसको कहते हैं सूर्य, देना नहीं पड़ता, देना नहीं है। जैसे यू सेड रिवर फ्लोइंग, तो रिवर इज नॉट फ्लोइंग विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग एनीथिंग टू एनीबॉडी, रिवर इज जस्ट डूइंग व्हाट कम्स नेचुरली टू इट। वो अपना धर्म निभा रही है, राइट, वो अपना धर्म निभा रही है, लेकिन उसके अपने धर्म निभाने में रास्ते में जितने पौधे आए, जितनी चिड़िया आई, जितने पशु पक्षी आए, सबको उसने नर्चर कर दिया, सबको नर्चर कर दिया, जितने गांव आए, गांव के गांव, सबको नर्चर किया ना, अपने फ्लोइंग में नर्चर कर दिया। तो हमारी जो प्योरिटी और डिविनिटी है वो हमारा धर्म है, एंड हमारे उस धर्म में स्थित होने से वो वाइब्रेशन जिसको टच करेगी वो उसको नर्चर कर देगी, क्योंकि उसको वो डिविनिटी ट्रांसमिट करेगी। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मनसा सेवा सबसे ऊंची सेवा है, सबसे ऊंची सेवा है, सबसे पावरफुल है। एक वो आप सारा दिन कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट बीइंग योरसेल्फ यू आर रेडिएटिंग, तो उसके लिए करना नहीं पड़ता। दूसरा, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ जस्ट फ्लोइंग टू एवरीबॉडी, एंड तीसरा, मनसा सेवा बेहद में जाती है, तन धन वाणी की सेवा हद में होती है। आप तन से कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, धन से भी कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, वाणी भी कुछ लोगों को सुना सकते हैं, मन से वाइब्रेशन सारी सृष्टि को भेज सकते हैं, सारी सृष्टि को, बिकॉज व्हाट यू रेडिएट इज जस्ट गोइंग इनटू द यूनिवर्स। तो मनसा सेवा अनलिमिटेड सेवा होती है, तन धन और वाणी की सेवा लिमिटेड होती है। लेकिन जहाँ जहाँ हम रेडिएट कर रहे हैं और जो जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो फर्दर रेडिएट वो भी करता है, वो भी कर कितना मल्टीपल होता है, इसलिए दो, इसीलिए मनसा सेवा सबसे पावरफुल है। तो एक व्रता बन, मतलब एक परमात्मा से जब कनेक्टेड होंगे तो प्योरिटी की धारणा होगी, प्योरिटी की धारणा होगी तो सोल कॉन्शियस होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे तो मनसा सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आज रूहानी पिता रूहानी बच्चों की, स्पिरिचुअल बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं, कि भगवान अपने बच्चों की स्पिरिचुअलिटी सोल कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है, कितनी वो रूहानियत आई है, मतलब कितना बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है ना, सही बात, आँखों में दिखाई देती है कि आत्मा की दृष्टि कैसी है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी वाइब्रेशन होगी, और वैसी सामने वाले की दृष्टि बन जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसी सृष्टि हो जाएगी। तो रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान, मुस्कान भी स्पिरिचुअल, औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान, एंजल्स की तरह डबल लाइट दिखाई देगा, मतलब फिजिकली भी लाइट फील करेंगे, और क्योंकि
आत्मा लाइट है, भारीपन नहीं है मन में, तो वो भी लाइट, तो डबल लाइट कि मन से भी लाइट, तन से भी लाइट। उसी को आज दिन तक दुनिया में फरिश्तों के रूप में याद करते हैं, गायन करते हैं कि एंजल हमारे जीवन में आया और अचानक हमारी प्रॉब्लम को ठीक करके चला गया। तो उनकी चलन, ये हर एक को अपने आप को चेक करना है कि जितने मेरे अंदर परिवर्तन आता जाएगा, मेडिटेशन से जितना शुद्धिकरण होता जाएगा, रूहानी दृष्टि होगी, रूहानी मुस्कान होगी, चलन और चेहरे से फरिश्तों के समान डबल लाइट अनुभूति होगी। रूहानी दृष्टि और रूहानी मुस्कान तो हम लोग को भी समझ में आ जाती है ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत हो ना। कोई भी आदमी बोलते हैं कितना संत जैसा लगता है, या जानवर को भी बोलते हैं कितना सेंटली है ये जानवर, एकदम गाय है, या इंसान को देख के दिखता भी है ना कितना प्यारा। अहंकार दिखता है ना, जैसे अहंकार दिखता है वैसे डिविनिटी भी दिखेगी, दोनों दिखेगी। तो दृष्टि भी दिखेगी, मुस्कान में भी दिखेगी, चलन और चेहरे में भी दिखाई देगी। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। ऐसी रूहानियत अगर चाहिए, एंजेलिक फीलिंग चाहिए, एंजेलिक वाइब्रेशन चाहिए, वैसी मुस्कान और दृष्टि चाहिए, वैसे डबल लाइट अगर रहना है, तो उसका आधार, फाउंडेशन है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन में जितनी प्योरिटी होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी, सोल की फीलिंग दिखाई देगी, ईगो की नहीं। जितना प्योरिटी होगी उतना सोल की फील दिखाई देगी, ईगो की नहीं। सही बात। योर फीलिंग ऑफ द पोजिशन, फीलिंग ऑफ द रिश्ता, फीलिंग ऑफ द एज, वो नहीं, फीलिंग ऑफ द सोल, वो रूहानियत की फील आएगी अगर मन, वचन, कर्म में प्योरिटी है। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प, थॉट्स, बोल में रूहानियत है, चेकिंग है। आर्टिफिशियल मीठा बोल के, हाँ, राइट। अगर संकल्प कुछ और ही चल रहा है, एक्चुअली संकल्प में रूहानियत हो तो मीठा बोल अपने आप ही आएगा। संकल्प में हो गया तो बोल में अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा चेकिंग, कि हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प मतलब जहाँ हमारे थॉट्स में प्योरिटी होगी, ईगो नहीं होगा। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। सही बात। ईगो का ऑपोजिट है ये। हर जगह जहाँ रूहानी शब्द आ रहा है, रूहानियत आ रहा है, मीनिंग द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ ईगो, वाइसलेस, डिवाइन। तो रूहानी संकल्प जब थॉट उतना प्योर होगा तो वो अपने को भी शक्ति देगा और वो औरों के अंदर भी शक्ति भरने वाला है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं कि आप जब डिवाइन थॉट्स क्रिएट करते हो तो आपके वो डिवाइन थॉट्स औरों की सेवा कर देते हैं। कर ही देगा ना ऑटोमेटिकली। जैसे हमको सिखाया जाता था कि आग के पास घी को रख दो, सिर्फ रखना ही है, कुछ नहीं करना है, अपने आप पिघल जाएगा। बस वैसा फिर आग से दूर हो जाता है तो फिर वो हो जाता है, लेकिन बिल्कुल जब तक तो आग कुछ नहीं कर रही है, उसके अब्सॉर्ब करके राइट अपने आप हो जाएगा। वैसे इसी तरह रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्योर थॉट्स क्रिएट करते हैं वो औरों के अंदर की प्योरिटी को ट्रिगर करते हैं, वो औरों को अच्छा फील कराते हैं, वो औरों के दर्द को हील करते हैं, वो औरों को एम्पावर कर देते हैं। बट यहाँ आपने बहुत अच्छी बात बोली थी एक एपिसोड में कि ये यहाँ तक नहीं रहना है,
कि वो फील कर लिया, महसूस कर लिया किसी के संत के साथ बैठ के, तो वैसे मैं कैसे बनूं वो? हाँ, लेकिन हमारे वो बनना, आप जब एक है कि हमें उस स्टेज पे नहीं रुकना कि हमें हाँ, सिर्फ वो संकल्प अच्छे लगे, उन जैसा बनना है, बनना है। लेकिन आप जब बन रहे हैं तो जब आप वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, आप औरों की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमारे वाइब्रेशन औरों को या तो डिप्लीट कर सकते हैं या हमारे वाइब्रेशन औरों को एनर्जाइज कर सकते हैं। सही बात। इसीलिए वो सेवा है कि रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं। पहले था रूहानी संकल्प, खुद को शक्ति देते हैं, दूसरों को भी शक्ति देते हैं। रूहानी बोल खुद को सुख देते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। सिर्फ एक दिन हमें ऐसे होमवर्क लेके करना होता है, होमवर्क लेके करना है कि मेरे बोल दूसरों को सुख दे रहे हैं, किसी को दर्द तकलीफ दुख तो नहीं मिल रहा है मेरे बोल से। तो रूहानी बोल जब दूसरों को सुख दे रहे हैं तो मुझे क्या दे रहे हैं? मुझे भी सुख दे रहे हैं। एक रूहानी बोल मीन्स आपकी स्थिति अगर वैसी है, आप चलते चलते एक लाइन भी अगर किसी को बोल देते हैं उस स्थिति में, एक रूहानी बोल दूसरे को जीवन में आगे बढ़ाने का आधार बन जाता है। जैसे दुनिया में सिखाते हैं मोटिवेट अदर्स, पैट देम ऑन द बैक, अप्रिशिएट, एक अच्छा शब्द बोल दो, ये मोटिवेशन भी लोगों के जीवन में कितना असर डालता है। लेकिन ये मोटिवेशन हम शब्दों से कर रहे हैं, लेकिन जब वो शब्द रूहानी शब्द होंगे तो वो सिर्फ शब्द मोटिवेट नहीं करेंगे, शब्दों के साथ वो जो डिविनिटी की वाइब्रेशन है वो मोटिवेट कर जाएगी। क्योंकि वो सामने वाले को सिर्फ शब्द नहीं देगी, वो सामने वाले को शक्ति भी दे देगी और दूसरे को जीवन में बढ़ाने का आधार बन जाएगी। एक एक्सपीरियंस भी दे देती है, एक एक्सपीरियंस भी देगी। यस, रूहानियत की। यस, तो एक बोल, एक बोल दूसरे को जीवन में आगे बढ़ाने का आधार बन जाते हैं। यही ईगो में बोला हुआ एक बोल कितने दिन तक हर्ट होता है दूसरा, कई बार दूसरे को जीवन में पीछे करने का आधार बन जाता है। पीछे भी और जिंदगी भर वो दुआ तो नहीं देता, याद जब भी याद करता है फिर ऑपोजिट में याद करता, नेगेटिविटी में। तो अगर वो दर्द में चला जाता है तो उसको पीछे ही हट गया ना, दर्द में गए मतलब आत्मा डिप्लीट हुई। लेकिन दर्द में वो कितना याद करता है उसको। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, एक रूहानी बोल खुद को भी सुख देगा, दूसरे को भी सुख देगा। लोग कहते ना, आई मेट हिम एंड आई हैड अ डिवाइन एक्सपीरियंस। एक रूहानी बोल से एक आदमी, किसी को आप एक बार टेस्ट भी करा दो तो एटलीस्ट वो राह पे लगने को तैयार हो जाता है। दैट्स इट, वो अपने रास्ते पे चलना शुरू कर देगा, तो वो जीवन में आगे बढ़ गया ना। फिर उससे रूहानी बोल बोलने वाला, रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। आपने एक बोल बोला जो दूसरे को जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन गया, तो आपका बोल उसके लिए क्या हो गया? वरदान। वरदान हो गया। अगर आपका बोल उसके लिए वरदान हो गया तो आप वरदान देने वाली आत्मा बन गए। और है किसकी प्रॉपर्टी? बाप दादा की विरासत में जो मिल रही है, और वो चीज बांटने में आप वरदानी बन गए। कितनी मतलब कितना पुण्य का काम। किस जैसे बन रहे हैं अब? उस जैसा पिता बन जैसा। रहे हैं। यस, क्योंकि पिता जैसा कर्म किया ना, पिता जैसे कर्म किया, पिता जैसी स्थिति में रहकर कर्म किया। लेकिन फिर भी लिया हुआ, मतलब किसी का दिया हुआ, लिया हुआ परमात्मा से, लेकिन अपने अंदर धारण किया और फिर रेडिएट किया, तो फिर वो दूसरे के लिए वरदान बन गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धारण किया, धारण नहीं किया, सिर्फ सुना और बोला, और शब्दों से बोला। लेकिन क्योंकि इधर आप देखो, पूरी मुरली में जो मेन एम्फेसिस है वो है रूहानियत। ये नहीं वर्ड आ रहा मीठे बोल, मीठे बोल नहीं आ रहा,
श्रेष्ठ बोल भी नहीं आ रहा, रूहानियत वाले बोल, विच मीन्स कॉन्शियसनेस कौन सी चाहिए वो बोल बोलने से पहले, सोल कॉन्शियसनेस, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. ज्ञान वाला बोल भी नहीं आ रहा, हम ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन ईगो से भी सुना सकते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से भी सुना सकते हैं. कभी कभी तो ज्ञान आ गया उसका भी कितना अहंकार हो जाता है, तो सुनाने में वो ज्ञान का अहंकार आ जाता है. अहंकार को काटने के लिए बहुत सुंदर समझाया है कि आपका वर्षा है ये, आपकी कमाई भी प्रॉपर्टी नहीं है, राइट. लेकिन आपको मतलब जीवन में धारण करके फिर औरों को वरदान देना है. बट औरों को वरदान करने से पहले आपको अहंकार अगर नॉलेज का आ गया तो उसको काटने के लिए क्लियर बोला गया है मुरली में कि आपको वर्षा मिला है, विरासत में मिला है. अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो विरासत में मिली हुई चीज वो मेरी हो जाती है, तो मेरी कमाई हुई लगती है. हाँ, तो मेरी कमाई हुई लगती है, तो फिर उसका अहंकार आ जाता है कि ये ज्ञान तो अब हाँ भगवान से मिला, सबको मिला, लेकिन मेरे अंदर देखो कितना अच्छा आ गया है, तो उस बात का भी तो अहंकार आ जाएगा. और जैसे ही उस बात का अहंकार आया, हम डिविनिटी के ऑपोजिट चले गए. अब हम उसके बाद बात बहुत अच्छी सुनाएंगे किसी को, लेकिन उस बात के अंदर वरदान नहीं होगा. नाउ दिस इज द लाइन, वो लगेगा नहीं लोगों को. लगेगा नहीं मतलब क्या, उनके लिए वो वरदान नहीं बनेगा. वरदान क्यों नहीं बना, क्योंकि उस बोल के अंदर एक्सपीरियंस नहीं थी, जो खुद ने महसूस किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ, खुद अब करने के बाद आपने दिया और बिल्कुल नम्रचित होकर उस प्योरिटी की स्थिति में दिया, फिर वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, वरदान. और देने वाला क्या बन जाएगा, वरदानी आत्मा बन जाएगा. रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं. पहले था रूहानी संकल्प, खुद को भी शक्ति देता, दूसरे को भी शक्ति देता. दूसरा था रूहानी बोल, सुख देता है और दूसरे के लिए वरदान बन जाता है. तीसरा है रूहानी कर्म. अगर हम रूहानी कर्म करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी है, कर्म योगी, मतलब हम योग की स्थिति में हैं. हम अगर उस स्थिति में रहकर कर्म करेंगे तो हमारे आसपास जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति भी कर्म योगी बनने लग जाएगी. इतना क्लियर हो गया. मैं समझता था कि कर्म योगी मतलब सुबह से शाम तक सिर्फ काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपना बिजनेस बढ़ाते जाओ, घर में पूरी ड्यूटी करो, बच्चों को देखो बस. योग योग में रह के कर्म नहीं समझ में आया था ना. हाँ. पहले मैं समझता था कर्म योगी एक आदमी होता है जो सिर्फ कर्म करता है. हाँ. मतलब पूरा दिन अपनी ड्यूटी पूरी करता है 100%. योग में रहकर जब कर्म करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी, तो हमारे आसपास जो होंगे उनकी भी स्थिति कैसी हो जाएगी, तो अपने आप हम उनको कर्म योगी बनने की वाइब्रेशन दे देंगे, उनकी स्थिति भी वैसी होने लग जाएगी. तो इसमें छोटा बड़ा काम तो होता नहीं होगा. घर का खाना पकाना, झाड़ू करना, उसमें भी कर्म योगी कर सकते, रह के कर सकते, कोई भी कर्म कर सकते हैं ना. छोटा बड़ा कब होता है, नहीं, एक होता है पैसे कमा के लाने. छोटे बड़े की कॉन्शियसनेस कब आती है, जब बॉडी, जब ईगो है. जब ईगो नहीं है तो छोटा बड़ा काम कैसे होगा फिर. नहीं, मेरा मतलब था घर का काम करते हुए, कोई भी काम, अपनी फैमिली के अंदर खाना पका के खिलाते हुए भी, वो भी तो एक कुछ वहाँ भी कर्मयोगी होके खिला कुछ भी करते हुए, जहाँ परमात्मा की याद है, रूहानियत है, तो वो कर्मयोगी स्थिति है. आप देखो मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिद, चर्च, हर जगह क्या सिखाते हैं, जो सेवा करते हैं ना, हर एक क्या करता है, जो भी काम कर रहा होता है तो करते करते क्या कर रहा होता है, भगवान का नाम सिमरन करते हैं. मतलब झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, मंदिर सजा रहे हैं, तो मुख से क्या करते जाते हैं, भगवान का नाम सिमरन करते जाते हैं, नाम जपते जाते हैं. उसका मीनिंग क्या, कि कर्म करते हुए योग में रहना है. अब हम ऑफिस में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, भगवान का नाम सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे में थोड़ी जपना है, वो तो सब कुछ करते हुए जपना है, लेकिन अब मुख से नहीं जप सकते, ऑफिस में है,
लोगों के साथ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग में तो दूसरी बात बोलेंगे ना जो काम की है, लेकिन मन उससे कनेक्टेड हो तो परमात्मा ने कहा कर्म योगी स्थिति जब आपकी होगी तो आपके संपर्क में आकर औरों की स्थिति भी क्या हो जाएगी, कर्म योगी बन जाएगी। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभव करते हैं। आप अगर कर्म योगी स्थिति में करेंगे तो आपके संपर्क में मतलब आपके कनेक्शन में जो भी आएंगे वो खुद भी सहज योगी मतलब इजी जीवन, योगी जीवन, लाइट जीवन, कर्म योगी जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। तो घर के बड़े अगर ऐसा करें तो अपने आप दूसरे लोग फॉलो करेंगे ना। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ऐसा हो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फॉलो करेगी। सिस्टर एक कैप्टन है एयरलाइंस में और उसकी वाइफ भी कैप्टन ही है, दोनों पायलट्स हैं। तो एक दिन मिले मुझे तो उन्होंने कहा कि ये मुरली सुन के हम भी आए हैं यहाँ। तो मैंने पूछा आप कहाँ से सुने, तो बोला हम हमारे ड्राइवर से सुने। वो हमेशा जाता है तो हम पूछे तू ये हाउ आर यू सो गुड, कभी आप चिढ़ते नहीं, ये नहीं करते, रूहानियत में काम करता है वो। बोले हम उसको देख के हमने बोला कि अगर ये ड्राइवर ने इतना ऊंचा मतलब ज्ञान ले लिया तो कहाँ से लिया। वो भी गए फिर सेंटर। सेवा कैसे होती है देखिए, और मैं डायरेक्ट में ले सुनी हुई बात भी नहीं कर रहा। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना आप जहाँ होंगे कर्म योगी स्थिति में होंगे औरों को योगी बना देंगे। और यहाँ एक दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया ना कि इसमें बड़ा आदमी छोटा आदमी की बात ही नहीं, जो मैंने आपसे पूछा पहले छोटा काम बड़ा काम, बड़ा आदमी छोटा आदमी, आपकी स्थिति सेवा कर रही है। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga meditation center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660.